final. पब्लिक मैडम की दीवानी हो रही है। ये तो कौन सा बल्ला ही छिना ले रहे, अगर बल्ला ही नहीं देंगे ये देखिए। और गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुला रहे हैं मैम को, मैम भी आ रही हैं। और ये गाइस उस दिन वाली मैडम, जैसे समीर इसलिए आए हुए हैं, मैडम भी आ गई। क्या सीन है भाई, ये पूछो क्यों जीतेगी भाई, सपोर्ट करने देखे कौन हार गया है। विकेट आएगा, मोहसिन खान ही जिताएगा यार, ले ले विकेट गाइस। तो गाइस 191 चाहिए मेरठ को और हमारी टीम को डिफेंड करने। और गाइस पहला विकेट हो चुका है, बॉल मार दिया मोहसिन खान ने। देखिए विकेट देखिए, और ये देखिए मोहसिन खान ने पहला विकेट ले लिया है। और चार बहुत प्यार से निकाल दिया शॉट, ये रोकी, यहाँ रुक गई थी फिर यहाँ हो गया। सो गाइस 191 के जो टारगेट मिला हुआ था उसमें पहले ओवर में मोहसिन खान ने अपनी दूसरी गेंद में पहला विकेट ले लिया। इस समय उवैस अहमद के साथ पर स्वास्तिक चिकारा बैटिंग कर रहे हैं। एक ओवर में 5 रन हैं और एक विकेट भी हो चुका है, कानपुर जीतेगी। और तो गाइस वो स्क्रीन में मोहतरमा है वो हमारे सामने यहाँ पर है। कानपुर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, 2.3 ओवर में 13 रन पर एक विकेट है। और मोहसिन खान यहाँ पर अपनी चौथी गेंद के साथ तैयार हैं और हल्की सी फील्डिंग में चेंजेस कर रहे हैं, उनको ऐसा उम्मीद है। हल्की सी लेग साइड में गेंद आ सकती है बाउंसर के साथ, ये देखिए लेग साइड पर बाउंसर के साथ। मोहसिन खान तीसरे ओवर के आखिरी गेंद के साथ क्या गेंद विकेट ले पाएंगे, अगर विकेट ले लेते हैं तो कानपुर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और गेंद हवा में, और अरे यार कैच छूट गई गाइस। दूसरी गेंद के साथ विनीत तैयार, और फिर से हवा में गेंद, और ये गेंद 6 रन के लिए। लगातार मार रहे हैं आपके गाइस ये लोग, ये देखिए ऑन साइड में स्वास्तिक चिकारा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंद में 16 रन। और तीसरी गेंद के साथ विनीत तैयार हैं, देखने क्या होगा, क्या विकेट ले पाएंगे। और फिर से 4 रन का लगा गाइस। ये देखिए ये क्या है, एलियन आ गए क्या, एलियन। समीर रिजी भी देखो बल्लेबाज से बात करते हुए जा करके। सो गाइस 3 ओवर में 20 रन थे और चौथे ओवर में 20 तरीके से मारा है, 4 ओवर में 40 हो गए। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का, फिर तीसरी गेंद चौका और चौथी गेंद छक्का। जहाँ 3 ओवर में 6 रन का रन रेट था, 3 ओवर में 20 रन थे लगभग, 4 ओवर में 40 हो गए और 10 के रन रेट से इस समय मार रहे हैं भाई। चलिए आइए देखिए भाई, की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पॉइंट में। ओवर स्पिनर को दिया गया है, 5 ओवर में 42 रन पे 2 विकेट है। क्या यहाँ पे विकेट एक और मिल सकता है, और शॉट 4 रन के लिए। गेंद हवा में जरूर थी लेकिन चौका मार दिया है। 89 बॉल पे मेरठ मैवरिक्स को चाहिए 145 रन। सुरेश रैना इस समय हमारी स्क्रीन पर, मिस्टर आईपीएल। 6 ओवर में मेरठ मैवरिक्स से बनाए हैं 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद के साथ ऋषभ राजपूत तैयार हैं, और बहुत ही प्यारा शॉट, 6 है या 4 देखना होगा, 6 रन। रुक जाओ भाई गाइस, ये देखिए विराट और धोनी, स्वास्तिक चिकारा का विकेट इंपॉर्टेंट हो रहा है गाइस। क्या विकेट आएगा, हवे में गेंद, और लेकिन 6 रन के लिए, 6 मार दिया है स्वास्तिक चिकारा ने, बहुत ही जबरदस्त।
बल्लेबाजी का नज़ारा दिखाते हुए स्वास्तिक चिकारा, ब्रिलियंट शॉट। मैच अकेले ही खत्म कर देगा। और ओवर की आखिरी गेंद, हवे में गेंद, क्या विकेट हो सकता है? अरे यार, फिर से अच्छा है। टोर में बना दिए यार, बहुत तगड़ा मार रहे हैं पंकज से मतलब नहीं। और फिर से हवे में गेंद और ये 6 रन के लिए। बहुत ही लंबा छक्का गाइस, पब्लिक के बीच में गया ये छक्का। हो गई स्वास्तिक चिकारा ने अपने 50 और ये फिर से हवा में 6 रन के लिए। तैयारियों के साथ गेंद हवा में, लेकिन गैप में भी है और चौका भी मार दिया। गाइस क्या होगा? इसी के साथ मेरठ मैवरिक्स के 9.5 ओवर में 100 रन पूरे हो गए, 102 पे 2 हैं। 61 गेंद में 89 रन सही है। बहुत ही तगड़ा बल्लेबाजी कर रही है मेरठ, एक तरफा मैच करते जा रही धीरे धीरे। गाइस एक विकेट की जरूरत है कानपुर को। और फिर से हवा में, क्या ये कैच हो सकती है? क्या ये कैच? विकेट विकेट हो गया गाइस, विकेट हो चुका है। बढ़िया कर लिया। अरे बस बस बस, हो गई। ये स्वास्तिक चिकारा का विकेट ही आया है, सही है, बढ़िया। चौथी गेंद, क्या लगातार विकेट मिल सकते हैं? नहीं, ए मार 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 और आउट है, आउट है। ये ये यस, लगातार विकेट मिलेगा। ये लगातार दो गेंद में दो विकेट, मैच पलट गया। यस, और 10 ओवर के बाद गाइस मैच अचानक से पलट रहा है। लगातार दो गेंद में दो विकेट आए हैं, जहां 106 पे 2 थे वहीं इस समय 106 पे 4 हो चुके हैं। और 56 गेंद में 85 रन, ये मैच लड़ेगा, ऐसा नहीं है एक तरफा नहीं होगा मैच। इंपैक्ट प्लेयर आया हुआ है हालांकि, और मैच लड़ेगा, आखिरी तक जाएगा। और ये हवा में गेंद, कैच आउट हो जाएगा क्या गाइस? अरे यार, माधव कौशिक ने फिर से छक्का मार दिया है। अरे छक्के मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। और गाइस इस समय दिव्यांश राजपूत आए हुए हैं, जो कि माधव कौशिक के साथ बैटिंग कर रहे हैं। कोई एक विकेट मिल जाए। और फिर से हवा में गेंद, लेकिन और इच्छा है रहा। स्क्रीन भी खराब हो गई इस जगह की। यार ये छक्के मुझे दिक्कत दे रहे हैं। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे दिव्यांश, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यार। और इस ओवर को ऑफ स्पिनर वाले ओवर को ये लोग ओवर को बड़ा बना रहे हैं, ऑफ स्पिनर को। LBW की अपील हो रही है, DRS के लिए जा सकते हैं, लेग स्टंप मिसिंग हो सकती है। DRS ले लिया, थर्ड अंपायर के पास गए, लेकिन मुझे लेग स्टंप मिसिंग लग रहा है। मेरे ख्याल से अरे बल्ला ही लग गया है। और गाइस यहाँ टी शर्टें उतर रही हैं, इधर उधर के दहाड़ी सो रहा है। और यहाँ से कुछ शायद से मैसेज भेजा जा रहा है, प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं कानपुर की तरफ से। विकेट आएगा भाई, विकेट है भाई। छब्बीस गेंदों में 44 रन चाहिए। मेरठ वाले जहाँ जश्न मना रहे हैं, तो कानपुर वाले थोड़ा शांत है, विकेट का इंतजार कर रहे हैं, आएगा। गाइस मेरठ को जीत के लिए यहाँ से 4 ओवर में 42 रन चाहिए। अब कानपुर को ये डिफेंड करना, और मुझे उम्मीद है इस ओवर में विकेट आएगा, क्योंकि अब मोहसिन खान बॉलिंग करने आ रहे हैं।
मोहसिन खान बॉलिंग लेके आया है इस ओवर में, विकेट आएगा, मोहसिन खान ही जिताएगा यार, ले ले विकेट गाइस। साठ 150 रन पूरे हो चुके हैं मेरठ के 5 विकेट के नुकसान पे 16.2 ओवर में। ये पब्लिक मैडम की दीवानी हो रही है। बल्ला उठाने से पहले भाई तुम विकेट उखाड़ दो, विकेट ही आएगा डाल। ओए चौका मार के इन्होंने अपना 50 कर लिया है। माधव कौशिक मेरठ के लिए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के साथ। मैच आखिरी तक जाएगा और इस तरीके से इन्होंने अपना 50 पूरा किया है। अब 12 के रन रेट से इनको चाहिए 18 गेंद में 36 रन, लेकिन माधव कौशिक का विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए गाइस, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं गाइस, आ रहे हैं और ये हवा में गेंद और 6 मार दिया है और प्लेयर ने बाउंड्री मैन ने कैच पकड़ लिया है गाइस, छक्का मार दिया है, कैच हुआ है लेकिन बाउंड्री के बाहर। ये देखिए बाउंड्री मैन ने कैच पकड़ ली गाइस। गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुला रहे हैं मैम को, मैम भी आ रही हैं और गाइज ये देखिए यहाँ पर ये मैम आ रही है, ये पब्लिक इन मैम को देखने के लिए खड़ी हो चुकी है, आ रही हैं आ रही हैं। पूछो क्यों जीतेगी भाई, सपोर्ट करने देखे कौन आ गया है। गाइज 15 गेंद में 29 रन चाहिए, यहाँ पर स्वास्तिक चिकारा का विकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है गेंदबाजी करने से। मोहसिन खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैच है कानपुर को जिताने के लिए, तो मोहसिन खान ऑल द बेस्ट। और अगर आप भी मोहसिन खान और समीर रिजवी का फ़ैन हैं, कानपुर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये हवा में गेंद, लेकिन हमें लगता है प्लेयर के ऊपर से निकल गई है 4 रन के लिए। और जब घर पर मैच देखते हैं ऐसा माहौल आता है जैसे कि ओवर के बीच में तो अंपायर और बैट्समैन दोनों टीम से बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा हल्का सा लगता है कि सिक्सिंग का ऐसा कुछ सीन है। और गाइस मेरी नज़रों में शायद से 12 गेंद में जब 21 रन चाहिए मोहसिन खान को ओवर नहीं दिया, ये शायद से समीर रिजवी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 19वां ओवर 20वें ओवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ अच्छा कर दें उम्मीद है, पहली गेंद अरे यार ऊपर से निकल गई, और दूसरी गेंद विकेट, अरे रोक ले भाई, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, अंदर 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 उधर उधर, 3 रन रोके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 रन। ये देखिए बहुत बढ़िया यार, विकेट आएगा भाई, विकेट विकेट आ जाए गाइस, बच्चे छक्का छक्का चिल्ला रहे हैं, विकेट चाहिए विकेट। 7 गेंद में 8 रन चाहिए, एफर्ट बहुत अच्छा था लेकिन विकेट आ जाए यार। क्या कैच होगी गाइस, अरे यार 6 गेंद में 8 रन जीत के लिए चाहिए, और मोहसिन खान ओवर लेके आए, मोहसिन खान को जसप्रीत बुमराह बनना पड़ेगा गाइस, कानपुर का जसप्रीत बुमराह मोहसिन खान। विकेट विकेट विकेट, बॉल, अबे यार वाइड नहीं है,
अब तो DRS भी नहीं बचा। अरे यार कानपुर अच्छा नहीं लग रहा है कि कानपुर जीते ही नहीं। 5-4 ये इसी गेंद में मुझे लग रहा खत्म कर देंगे और पब्लिक अभी से सेलिब्रेशन करने लगी है। और ये लोग पहले ही खुश होने लगे। और ये लोग जीतने से पहले ही बाउंड्री पे खड़े हो चुके हैं मेरठ का। और ये छक्का मार के जीत गए हैं और गाइस मेरठ मैच जीत चुकी है फाइनल। और फाइनली मेरठ मैच जीत गई है मेरठ की टीम ने। और वहां पर टी शर्ट उतर वेरी गुड। मेरठ की टीम रिंकू की टीम, हालांकि रिंकू नहीं थे टीम में उसके बावजूद भी मैच को जीत गए हैं। गाइस एक छक्के ने फिर से मैच जिता दिया इस बार मेरठ को। माधव कौशिक उसके नाम में भी एम आता है, महेंद्र सिंह धोनी के नाम में भी एम आता है, थाला बॉरा रीजन। और एक छक्के ने मैच जिता दिया, एक छक्के ने मैच हरा दिया कानपुर का। चलता रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश का जो टेस्ट सीरीज का ग्रीन पार्क मैच है वो भी देखने जाएंगे, तो ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर।